दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जर्सी के लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जर्सी पहले 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी और KGF 2 के साथ क्लैश होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने KGF 2 के क्रेज को देखते हुए तब इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया था। जर्सी में शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आए थे और इस फिल्म को गौतम टी ननूरी ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म सन 2019 में आई तेलुगु फिल्म जर्सी की ऑफिशियल हिंदी रिमेक थी। इस फिल्म को दुनिया भर में कुल 2700 स्क्रीन्स के साथ 22 अप्रैल को रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 3,80,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो पहले वीकेंड में 15,40,00,000 का कलेक्शन किया था और पहले हफ्ते में 20,46,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 21,80,00,000 का लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन किया था तो 26,36,00,000 का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 3,70,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 30,06,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 70 करोड़ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb में 6.9 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म काफी अच्छी है, लेकिन कई लोगों ने पहले से ही ओरिजिनल फिल्म देख रखा था तो इसलिए इस फिल्म को देखने ज्यादा लोग नहीं गए। और तो और KGF 2 का क्रेज भी लोगों पर चढ़ा था, इसलिए जर्सी को इग्नोर कर दिया गया। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखा है तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।